असल में ये पार्टी का रीच आउट प्रोग्राम है लोगों के पास पहुंचने के लिए, जो 5 अगस्त को यहाँ हुआ, उसके बाद यहाँ के लोगों को बात करने का हक छीना गया। आम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अगर हम बात करेंगे तो हमें हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, इसीलिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये जिम्मेदारी अपने सर ली कि लोगों के पास जाए, वर्करों को अपने वर्करों को मुतारक करें ताकि वो लोगों के पास जाए, उनके मुश्किलात को देखें। बाकी मैं यहीं से आज अपनी पार्टी प्रेसिडेंट से मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ, वर्कर पीडीपी के उनके साथ है। यहाँ सनवार कॉन्स्टिट्यूंसी में आज हमारी ये मीटिंग है। यहाँ मैं हर एक वर्कर का शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये मुंतजर है हमारी पार्टी प्रेसिडेंट कब आएगी इन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं यहीं से इन सबों को मुबारक करता हूँ। यहाँ के मुंतजमीन में जो मंजूर साहब है, यहाँ का जोन प्रेसिडेंट फारूक साहब है, बेग साहब है, ये सारे मेरी बहनें हैं, मेरे दोस्त हैं, जो यहाँ हमारे पार्टी वर्कर्स हैं, इन सबों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। बाकी हमारा एक ही है आज कि लोगों के पास जाए हमारे वर्कर, जो लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है उनके पास जाए, अपना प्रोग्राम उनको बताए। यहाँ अगर कोई लीडर है वो महबूबा मुफ्ती है, इन लोगों को उसकी आवाज़ बन के लोगों में जाना चाहिए, उनके मुश्किलात को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यही हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम इसलिए इनिशिएट किया ताकि हम अपने वर्करों को बुलाए, हम इनसे कहे कि आपकी मुश्किल क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। और हमने आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब को भी दावत दी थी यहाँ पे, हमारे पास आप आए, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल चाल जाने, अपने वर्करों से मिले, अपने भाइयों से मिले, अपने बुज़ुर्गों से मिले। बाकी हम ग्राउंड ज़ीरो, ये ग्राउंड ज़ीरो की रियलिटी है, जो भी यहाँ पे हैं ये ग्राउंड ज़ीरो की रियलिटी है। हमारे लोग हमारे साथ हैं, पीडीपी के साथ हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब भी हमारे यहाँ पे इलेक्शन हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी पीडीपी यहाँ से जीत हासिल कर देगी। Gerçekten de bu tane bu sinir. Bu kaçıyor bu yan? Garım bu şey. Bu da bu kaçıyor.